जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं पवन सर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 फिजिक्स के पूरे मॉडल पेपर का, ठीक है, हल आपको बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, यदि आज की वीडियो, अगर आज आखिरी रात है दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा तैयार कर लेते हैं तो यकीनन आपका जो कल का पेपर होने वाला है दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा आज आप लोग को, ठीक है। यदि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपकी बार बोर्ड ने नए तहत पेपर को जारी किया है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन किया है। जो आप लोग को NCERT पैटर्न के तहत पढ़ाई की गई है, लेकिन उसमें सारे ये क्वेश्चन ज़्यादा करके मिल ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि अदर राइटर की किताबों से ज़्यादा पढ़ करके जाइए, ताकि आप में एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा करके आएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इन तक देखना है। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स 1 मार्च का पेपर सेट है दोस्तों। ये वायरल पेपर है, 70 में 70 आपका दोस्तों 100% आएगा, बिल्कुल यम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95% मार्क आपका पक्का है दोस्तों आ जाएगा। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको बात करें, शुरू में आपके 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। इन बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दोस्तों देना होगा, ठीक है। अब गलत नहीं करना है दोस्तों, यदि अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को गलत कर देंगे तो आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्ष तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष परस्पर है, क्या है? ऑप्शन ए लंबवत होती है, ऑप्शन बी विपरीत होती है, ऑप्शन सी एक दिशा में होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों, वो आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, विपरीत होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, व्यक्तिकरण होने की आवश्यक शर्त नहीं है जब दोनों तरंगों की ऑप्शन ए आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन बी कला संबंध स्रोत होने चाहिए, ऑप्शन सी आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, ऑप्शन डी दोनों तरंगे मूलतः अलग अलग स्रोतों से बनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, वो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही होगा, वो दोनों तरंगे मूलतः अलग अलग स्रोतों से बनी होनी चाहिए, ये ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गा नंबर क्वेश्चन लिखा है, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? कह रहा है कि मीटर सेतु की जो तार होता है दोस्तों, वो किस धातु से बनी होती है? ऑप्शन ए लोहा, बी कापर, सी मैग्नी या यूरेका, ऑप्शन डी है स्टील। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैग्नीक या यूरेका, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसका क्या होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है, LCR परिपथ में वैद्युत अनुनाद तीक्ष्ण होगा यदि परिपथ में नंबर ए R बड़ा है, R छोटा है। लिखा है ऑप्शन सी R बराबर XL या XC। डी ऑप्शन में R पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? R से छोटा होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को इन तक जरूर देखना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए भाई सभी लोग। चलिए देखिए अगला, प्रोटॉन के गति के द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? कह रहा है कि प्रोटॉन के गति द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है HV/λ, बी है H λ/E, सी है NV/E, डी ऑप्शन में H/C λ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा डी ऑप्शन H/C λ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 नंबर में लिखा है, चालक कामा अर्धचालक और कुचालक में वर्जित बैंड क्रमशः E G1 कामा E G2 तथा
EG3 में इसका संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा दोस्तों, पहला ही एकदम आंसर क्लियर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी, प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना रहता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अगर यहाँ से देखा जाए तो ये दूसरे का खंड बा, तो खंड बा में इसमें आपको 6 अंक रहेंगे, 6 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रा के लिखना है। ये आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। फिर लिखा है खा नंबर, संक्रमण से क्या तात्पर्य है, इसमें किसका समय कितना समय लगता है, ये भी आपका 1 नंबर का है। ग नंबर में धातुओं के लिए मध्य युक्त तथा पथ लेमडा का कोटिमान बताना है। ऑप्शन घ नंबर प्रश्न है ट्रांसफार्मर की कोल्ड पटलिट क्यों बनाई जाती है, ठीक है, ये ऑप्शन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अंग नंबर लिखा है आयन ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है आपसे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी तैयार कर लेंगे, ठीक है। विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ से आप लोग देखिए खंड खा में तीसरा क्वेश्चन लिखा है यंग के 2 स्टील प्रयोग में फ्रिंज निकाय की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, ये 4:1 है। कला संबंध प्रकाश स्रोतों के आयामों के अनुपात की गणना कीजिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इसके जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 3/2 आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। खा नंबर लिखा है 2 धातुओं ए व बी के कार्य फलन क्रमशः 2EV तथा 2-4EV है, धातुओं की दहली तरंग दैर्य में क्या अनुपात है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 2:1 आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा रहे हैं, आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए। लिखा है 2.0 हेनरी का एक स्वप्रेरक कामा 18 माइक्रोफेरड का एक संधारित एक 10 किलो ओम का एक प्रतिरोध 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती स्रोत है, परिवर्ती होने वाली आवृत्ति के साथ जुड़े हैं, ठीक है। ऑप्शन ए लिखा किस आवृत्ति के लिए परिपथ की धारा अधिकतम होगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें लिखा अधिकतम धारा का मान क्या होगा, तो इसका आप लोग जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए। दोस्तों यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, आप लोग जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ से, ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है उत्क्रम अभिनत PN संधि डायोड में एवे लॉन्स भंजन का क्या अर्थ है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी तैयार कर लेना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, अगर ऐसे ही पेपर सेट को आज आप लोग हल कर लेते हैं तो आप लोग का पूरा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, ठीक है। देखिए अभी समय है आप लोग के पास, मैं चाहता हूँ कि इस पेपर सेट को पूरा देख करके तैयार कर लीजिए। लिखा है 60 अंश आपतन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाए, ठीक है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये खा नंबर लिखा है व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक 2 शर्तें लिखना है। फिर लिखा है सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, वर्णन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन घ नंबर लिखा है 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 5000 ओम है, इसका माप सीमा को 20 गुनी बढ़ाने के लिए इसमें क्या परिवर्तित करना होगा, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से अगर इन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग का पेपर बहुत अच्छा निकलेगा, और ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजन उत्पन्न कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए भाई, ठीक है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यदि इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और आपको दिखाते हैं इसके आगे की, चलिए भाई देख लीजिए इसके आगे की। हाँ
देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां भी आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। लास्ट में आपको दिखा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। देखिए तो इस तरह से आप लोग देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, L1 व L2 स्वप्रेरकत्व वाली कुंडलियों के मध्य महत्तम अन्योन प्रेरकत्व क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन 9वां है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये अथवा ये भी आपका है। तो दोस्तों इस तरह से अगर इन सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग का जो पेपर होगा दोस्तों बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से थैंक्स, धन्यवाद।